नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग, SS मेडिकल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ उसका शीर्षक है एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, जो सेमेस्टर 3 CC7 के यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। आज मैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति की परिभाषा एवं उसके स्वरूप के बारे में बताऊँगी। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति शब्द का व्यवहार हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। अभिवृत्ति को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति का अर्थ नज़रिया या दृष्टिकोण है। यह लैटिन शब्द एप्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। किसी दूसरे के प्रति बनाया गया विचार ही अभिव्यक्ति है। ये परिवर्तित भी होते हैं। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। यह एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति नाम से भी प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्द एक ही भावात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं, अतः अभिवृत्ति या मनोवृत्ति दोनों एक ही हैं। मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियां हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु व घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अनुक्रिया करने की मानसिक सक्रियता होती है। यह व्यवहार से पूर्व की मनोदैहिक अवधारणा है जिसके आधार पर व्यक्ति वस्तुओं का मूल्यांकन करता है। गुड के अनुसार अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। इनके अनुसार मनोवृत्ति के 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला, संज्ञानात्मक तत्व। इसमें व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति ज्ञान से है। दूसरा, भावात्मक तत्व। इसमें व्यक्ति का किसी घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव से है। तीसरा, व्यवहारात्मक तत्व। यह व्यक्ति का घटना के प्रति सकारात्मक तथा नकारात्मक व्यवहार है। थर्स्टन के अनुसार किसी वस्तु या पदार्थ से संबंधित ऋणात्मक या घनात्मक प्रभावों की मात्रा ही अभिवृत्ति है। रेम्पल के अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान और परिस्थिति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही मनोवृत्ति है। जेम्स डेवर के अनुसार मनोवृत्ति मत, रुचि, उद्देश्य की एक लगभग अस्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है, जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा या उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोवृत्ति शब्द काफ़ी जटिल तथा विवादग्रस्त है। इसकी एक भी वैज्ञानिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक तथा समाज वैज्ञानिक सहमत हों। इस असहमति का कारण उनका अपना अपना सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के मूल्यांकन पक्ष को ध्यान में रखकर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के भाव पक्ष को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया है, लेकिन सभी परिभाषा में कोई भी परिभाषा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति की समुचित व्याख्या करने में सफल नहीं है। लिंडजे तथा एरासन के अनुसार ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा अधिक समग्र तथा संतोषजनक है। उनके अनुसार मनोवृत्ति प्रतिक्रिया करने की तत्परता की वह मानसिक एवं स्नायु स्थिति है जो अनुभव के कारण संगठित होती है और जिसका दिशा सूचक अथवा सक्रिय प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है। इनकी ऑलपोर्ट की परिभाषा के विश्लेषण से मनोवृत्ति के संबंध में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, मनोवृत्ति तथा स्नायु स्थिति, मेंटल एंड न्यूरल स्टेट। दूसरा, प्रतिक्रिया करने की तत्परता, रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड।
तीसरा संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड, चौथा अनुभव के कारण यानी थॉट एक्सपीरियंस, पांचवा दिशा सूचक अथवा सक्रिय प्रभाव यानी डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मनोवृत्ति के उपयुक्त पांच पक्ष हैं। ऑलपोर्ट की उपयुक्त परिभाषा मनोवृत्ति के सभी पक्षों की व्याख्या करने में सफल है, इसलिए इस परिभाषा को अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक सफल, समग्र तथा संतोषप्रद माना जाता है। मनोवृत्ति की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से इसका स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, फिर भी हम इसके स्वरूप की व्याख्या अलग से करना चाहेंगे। मनोवृत्ति के स्वरूप के संबंध में इसकी निम्न विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, मनोवृत्ति एक मानसिक एवं तंत्रिकीय अवस्था है। इट इज ए मेंटल एंड न्यूरल स्टेट। मनोवृत्ति की एक विशेषता यह है कि यह व्यक्ति की एक मानसिक तथा तंत्रिकीय अवस्था है। यह एक ऐसी अवस्था है जो परिकल्पित तथा अमूर्त होती है। जैसे यदि किसी ब्राह्मण में हरिजन के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति हो तो निश्चित रूप से वह एक मानसिक स्थिति या अवस्था है जिसे मूर्त रूप में देखना संभव नहीं है। दूसरा, मनोवृत्ति प्रतिक्रिया करने की एक तत्परता है। एटीट्यूड इज ए रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। मनोवृत्ति की एक विशेषता यह भी है कि यह कोई प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता है। जैसे हरिजनों के प्रति होने वाली ब्राह्मणों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया को मनोवृत्ति नहीं कहेंगे, बल्कि इस प्रतिक्रिया को करने की मानसिक तत्परता को मनोवृत्ति कहेंगे। मनोवृत्ति एक मध्यवर्ती संप्रत्यय है। एटीट्यूड इज एन इंटरवेनिंग कॉन्सेप्ट। मनोवृत्ति वास्तव में एक बिचवई संप्रत्यय अर्थात मध्यवर्ती चर है, कारण मनोवृत्ति स्वयं एक और किसी स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव या परिणाम होती है और दूसरी ओर किसी प्रतिक्रिया या व्यवहार का निर्धारक या कारण होती है। जैसे दोषपूर्ण प्राथमिक सामाजिकरण के कारण किसी ब्राह्मण में हरिजनों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है, यहाँ मनोवृत्ति आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इस नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण वह हरिजनों के प्रति बैरपूर्ण व्यवहार करने लगता है। यह मनोवृत्ति स्वयं चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चौथा है, मनोवृत्ति एक जटिल संप्रत्यय है। एटीट्यूड इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। मनोवृत्ति की एक विशेषता इसकी जटिलता है। यह प्रायः तीन कंपोनेंट्स से संरचित होती है। इन्हें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, अफेक्टिव कंपोनेंट्स तथा बिहेवियरल कंपोनेंट्स कहते हैं। ये तीनों कंपोनेंट जिस हद तक जटिल होते हैं, मनोवृत्ति भी उसी हद तक जटिल होती है। पांचवा है, मनोवृत्ति संगठित होती है। एटीट्यूड इज ऑर्गेनाइज्ड। संगठन भी मनोवृत्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के एक वर्ग के प्रति व्यक्ति की जो मनोवृत्ति या प्रतिक्रिया प्रवृत्ति यानी रिस्पॉन्स टेंडेंसी होती है, उसके संगठकों में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है और इसी तरह वस्तुओं के अन्य वर्गों के प्रति भिन्न भिन्न मनोवृत्तियाँ या प्रतिक्रिया प्रवृत्तियाँ यानी रिस्पॉन्स टेंडेंसीज के बीच एक विशिष्ट संरचना होती है। छठा है, मनोवृत्ति अर्जित होती है। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित होती है। शिक्षण तथा अनुभव के आधार पर व्यक्ति भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों को सीख लेता है। सातवां है, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। एटीट्यूड इज रिलेटिवली परमानेंट। मनोवृत्तियाँ अधिकांश परिस्थिति में अस्थायी होती हैं और कुछ परिस्थितियों में अस्थायी। जिस मनोवृत्ति को कोई बच्चा एक बार सीख लेता है वह लंबे समय तक जारी एवं सुरक्षित रहती है, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बदल जाती है। आठवां है, मनोवृत्ति की एक दिशा होती है। मनोवृत्ति या तो
सकारात्मक यानी पॉजिटिव डायरेक्शन या नकारात्मक यानी निगेटिव डायरेक्शन में होती है। इसी आधार पर मनोवृत्ति को दो प्रकारों अर्थात सकारात्मक तथा नकारात्मक में विभाजित किया जाता है। सकारात्मक को फेवरेबल तथा नकारात्मक को अनफेवरेबल एटीट्यूड कहते हैं। तटस्थ मनोवृत्ति सामान्यतः काल्पनिक है। नौमा है मनोवृत्ति की अपनी तीव्रता होती है। एटीट्यूड हैज इट्स इंटेंसिटी। मनोवृत्ति चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक उसकी अपनी इंटेंसिटी या शक्ति होती है। जैसे एक ब्राह्मण हरिजनों को नापसंद करता है, साथ खाना पीना या रहना पसंद नहीं करता है और यहाँ तक कि उसकी परछाई से भी बचने का प्रयास करता है। दूसरा ब्राह्मण भी हरिजन को पसंद नहीं करता, साथ खाना पीना नहीं करता किंतु साथ काम करने में संकोच नहीं करता। स्पष्टतः दूसरे की अपेक्षा पहले ब्राह्मण में अधिक तीव्र नकारात्मक मनोवृत्ति है। इसी प्रकार सकारात्मक मनोवृत्ति में भी तीव्रता की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। दसवां है मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। एटीट्यूड हैज ए मोटिवेशनल एट्रीब्यूट। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई विशेष क्रिया करता है। मित्र के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति के कारण वह अनुकूल व्यवहार करता है। दूसरी ओर नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण अपने दुश्मन के साथ वह प्रतिकूल व्यवहार करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया कैसा है यह व्यक्ति के मानसिक सोच पर निर्भर करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति इंसान को फर्श से अर्श तथा अर्श से फर्श तक लेके जाता है। उपरोक्त बातों से मनोवृत्ति क्या है एवं उसके स्वरूप क्या है ये सारी बातें संभवतः स्पष्ट हो जाती हैं। धन्यवाद।